वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूअर्स, और इतने मजे के गाने और इतनी मजे की बातें चल रही है। लेकिन सायरा, आपको पता है कि हमारे साथ एक और सिंगर भी मौजूद है जिनकी राजी साहब ने इतनी तारीफ की है कि मैं सोच रही हूँ पहले उनसे गाना सुन लूं। बिल्कुल, बहुत सारी तालियों के साथ किरण, तो फिर मटकी अल्लाह मेरी हिस्ट्री रख ले। छुपी सुस्तम एक्टिंग करती हूँ और डांस करती हूँ, सिंगर तो नहीं हूँ बस। लेकिन कसूर के साथ बेसिक हमारा ताल्लुक है, तो मैंने इनके साथ प्ले किया था, तो इन्होंने वहाँ पे मुझे ना थोड़ा गुनगुनाते हुए सुना था, इसीलिए वो कसूर दी थे मेथी नहीं माने। ठीक है, अच्छा भाई, आप कसूर से मुतासर हो चुके हैं? हाँ जी, कसूर से मुतासर हो चुके हैं जी। आपकी इजाजत के साथ आप सब जी बेटा, मैं फाल नहीं कटवानी तेरे जी। शुक्र है, साडा भी को बेटा आया जी। हाँ जी जी, सही कह रहे ना मामा। ढोलना रोगी नैने वे सोनिया तेनु कहने वे, ढोलना रोगी नैने वे ओवे मेलाया तू निभानिया, ए जुदाया नहीं पानिया। ढोलना रोगी नैने वे सोनिया तेनु कहने वे, ओवे मेलाया तू निभानिया, ए जुदाया दोकड़िया दा प्यार ना पावी दिल नू तोड़ के टुरे ना जावी। हाय दोकड़िया दा प्यार ना पावी दिल नू तोड़ के टुरे ना जावी, ए ना होवे कलम कली होके परदी मैं मर जावा, वे मैलाया तू निभानिया, ए जुदाया नहीं पानिया। ढोलना रोगी नैन वे स्टोरी में सर, आपकी आपकी भी इज्जत अल्लाह ने रख ली और कसूर की भी इज्जत रख ली। जी, मैंने कभी कोई रिहर्सल नहीं की कभी, मतलब कोई सीख मैं आपने एक सुरीले गाने को गुनगुनाया है जिसे, और विदाउट म्यूजिक एग्जैक्टली, आप में अगर शौक है तो इसे जरूर कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल, गाने की तरफ आपको आना चाहिए और उधर से होके मेरे घर आना चाहिए ताकि मैं भी सुनूं। लेकिन अशरफ भाई, मुझे लगता है आपने इनको जरूर तरबियत दी। हाँ बाजी, तरबियत सरप्राइज अभी तारिक साहब आपको एक सॉन्ग डेडिकेट करेंगे खुद गुनगुना के। सब इतने प्यारे, इतने रिस्पेक्टेड मेरे दोस्त हैं कि सबसे पहले तो उनका आना ही मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है, और अगर आप डेडिकेट कर रहे हैं तो आपको सलाम। क्या बात करें, दोस्त जो दोस्त होते चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, दोस्त प्यार है, आपका प्यार है सबसे बड़ी बात है। अच्छा जी, गिटार पे तो मैंने हजारों गाने आपके लिए गाए, आज उन्होंने मेरा टेस्ट चेंज कर दिया। अच्छा, लाहौर वालों की इज्जत खतरे में पड़ी। कसूर वालों ने गाना जो सुना दिया, ये आपका कसूर है सर। तो डी माइनर से राग भैरवी, ये सच है, सुर सच की तरह होता है। जी, बेशक बेशक। दो बेटे रणा ने ऊंचा दे
हसदे खान कदे नरवावे जदो मर जवावे भूल जावे दिल नर रुस गे चढ़ सजना ताई बोलदे रैण मेरे नैण सजना चली 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 कैण सजना हर वेले होके हंजू रण सजना दुखियां दे दुखान ओ प्रभ दावे जदो मर जावे फेर भुल जावे रड़ा नहीं हो रदी जदो दिवे लाए तेरे नाल अख हस दिया खान कदे ना रुवावे जदो मर जावे कि ये इनका प्यार है जितना बड़ा नाम है जितने बड़े सिंगर हैं उतने बड़े इंसान भी हैं और मैं हकीकतन कुछ भी नहीं हूँ ये इन जैसे दोस्तों की सपोर्ट है कि लोग इतना प्यार करते हैं इतना चाहते हैं इंसान जब दूसरे को अप्रिशिएट करता है ना उसका दिल बाग बाग हो जाता है बिल्कुल अरे सारा जी आप इस काबिल हैं क्या किसी शायर ने कहा है क्या किसी शायर ने कहा है जी जी क्या कहा है इनके मतलब जी जी के चांदी का बदन जब तन के चले गर्दिश ठहरे रफ्तार रुके जब आंख उठाकर तू देखे आकाश तेरे कदमों में झुके अच्छा मेरी बात सुने सारे शेर इनको सुना रहे वो मतलब क्या अकलियत है कोई गुफ्तगु के साथ सिंक करें आप उन्होंने एक पंजाबी फिल्म के लिए ये गाना बनाया था ताको साहब ने अच्छा जिसे मलका इतरनम नूर जहां ने गाया था जी। एक फिल्म पंजाबी फिल्म में अब ये गाना दोबारा रिपीट हुआ लेकिन उनके बेटे फरजंद अर्जुमन तारिक ताफू ये गाना अब नए सिरे से इसको रिन्यू करके अपने डैडी को डेडिकेट किया वा, 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 कि वो गाना तारिक ताफू साहब का बहुत मुश्किल काम बहुत खूबसूरत ये तारिक ताफू साहब मौसीकी दी वर्कशॉप ने उनके जलन होनी शुरू होगी जिधर देख रहे हैं हमारे पख्तून भाई को कह रहे हैं चाय कोई कह रहे हैं कहावा अब उनको जलन होनी शुरू होगी अब वो सारे पठान है हमारे आपको पता है वो बड़े मजेदार और बड़े मेहमान नवाज लोग हैं क्या बात हमारा एक दफा पठानों के लिए ताली बजाएं चाय पी ली कुछ चार पांच कहवे पी लिए अब वो उनको जलन होनी शुरू होगी अब उनको ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होनी शुरू होगी कि क्या करूँ अब पश्तो बैरों पठान 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 हर जगह ऐसे देखा तो दूसरा एक पठान कहता है बक्सा चाय कहते नहीं दूसरी तरफ देखा कहते बक्सा कहवा कहते यार कोई कोचा कोला ली पेशावर फंक्शन के लिए गए वहाँ फंक्शन हुआ तो उन्होंने कहा जी भी प्रोग्राम के बाद आपको खाना मिलेगा अच्छा सबने खा खु लिया खाना वाना खा लिया सब आके सबने खा लिया वो अभी रहते थे तो वो पका हुआ था चक्की वाला दुम्बा चक्की वाला जो पीछे चक्की होती है वो चक्की की थी वो जब खा लिया उन्होंने पेट भर के वो खाया तो बाद में वो वॉमिटिंग हुई है वो तबीयत खराब हो गई मैं पक्षब क्या हुआ कहना देखो इन्हों का सत्यानाश हो घोषित घोषित सारा आप खा गए ने मैनू ठुमके दिया बोटियां बहुत नहीं, नहीं, नहीं,
आप इसको लॉन्च कर रहे हैं, अल्लाह करे कि बहुत ज्यादा किस तरह गाना क्या कंपोज, और मेरे लिए बड़ी जात की बात उसमें सनम आर्मी, वारिस बेग और शिपा जी सब थे। अच्छा, फाकत अली खान के लिए ताली बजाए। उसमें मेरे साथ गाना परफॉर्म किया, एक्ट किया, हालांकि वो शाम 84 थे। क्या बात, क्लासिकल कहते हैं, लेकिन ये मेरी फीलिंग है कि मैं तारिक के साथ वीडियो में आऊँ, मेरे लिए शुक्रिया अदा करो तमाम। बहुत बड़ा नाम है फाकत अली खान साहब, हमारे बहुत प्यारे दोस्त भी हैं, और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं अभी तक आपका वादा वफा होने का इंतजार कर रही हूँ कि आप कब दोबारा रॉयल कैफे में आ रहे हैं। देखिए तारिक ताफू साहब तो इतने प्यारे दोस्त हैं, उन्हें हम जब कहें फाकत अली खान की बड़ी मजे की बात, आप कह रहे थे ना जी फनी बात, हाँ बिल्कुल, फाकत के नाम से फौरन बात याद आई है। अच्छा जी, शेयर करें प्लीज। 8-9 साल पहले की बात है, हम अपने घर में बैठी थी तो हमारे एक बहुत अच्छे सहाफी हैं जी, ताहिर सरवर मीर। अच्छा। तो वो एक शख्स को हमारे घर ऊपर लाए। अच्छा। बड़े सुरीले, और वो हमें गाने सुना रहे हैं, तो अब वो ताहिर साहब कह रहे हैं ये बहुत बड़े आदमी है, आपको पता ये कौन है? मैं कह जी कौन है? कहते ये ए आर रहमान के भाई है, बी आर रहमान। ठीक है, तो हम मान गए, हम मान गए, हमने पेस्ट्रीज, चाय, समोसे, बहुत कुछ उनके आगे रखा। अच्छा। और ये खुश के, अरे ए आर रहमान के भाई छोटे बी आर रहमान हमारे घर आए, वो सुरीले गाने भी गा रहे थे उसी स्केल के, उसी तर्ज के। अच्छा। तो हम बड़े मुतासिर हो गए कि हमारे घर बी आर रहमान आए। अब कट करके आए, कोई 5-6 महीने बाद एक बहुत बड़ा फंक्शन था, मेरी उधर कंपेयरिंग थी। अच्छा। तो अब वो उन्होंने मुझे एक लिस्ट दी, उन्होंने कहा जी आप बुलाइए रफाकत अली खान को। तो अब ये करीब ही कहीं खड़े थे, मैंने कहा उससे पहले मैं कह चुकी थी कैसी हैं आप, ठीक है? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो अब मुझे कह रहे रफाकत अली को बुलाइए। अब मैंने जब रफाकत अली का नाम अनाउंस किया तो ये स्टेज पे आ गए। तो मैंने कहा क्या हो गया, आप तो बी आर रहमान है, मैं स्टेज पे कह रही हूँ। तो अब वो कहते बाद में मुझे पता चला कि ये रफाकत अली साहब है, ये बी आर रहमान साहब नहीं है। तो आज भी जब मैं उनको कहीं देखती हूँ ना तो मैं सलाम करके कहती हूँ उनको, अस्सलाम वालेकुम बी आर रहमान। बड़े खामोश बैठे हैं, खामोश बैठे हैं। हम चाहेंगे कि आप भी कुछ थोड़ा सा गुनगुनाएं, हमें कुछ सुनाएं आप, क्योंकि डांस का तो एक बड़ा अच्छा आपके पास लॉजिक है कि जी वो रिदम नहीं है, वो सुर नहीं है, तो लेकिन गाने के लिए तो आई डोंट थिंक सो के साथ किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए डेफिनेटली बहुत सुरीला गाएंगे, बहुत सुरीला गाएंगे, बिल्कुल। मैं जी, जी जी आप, जी जी आप, सपा ने सामने करी दीवे बले, इतने इतने बड़े लोग, इतने इतना अच्छा गाया कि बच्चे याद करा देते हैं। आपके शुरीले इतने सुर में, तो आप क्यों नहीं सुर में होंगे, ये कैसे हो सकता है? ना आप डांस कर रहे हैं, ना आप गाना गा रहे हैं। कुछ काम जो होते हैं ना वो सुरीले होते हैं, सुनने के आते हैं, वो मुंह से नहीं कह सकते, जैसे कि हम सुन सुन के। ताफो साहब, बड़े गुलाम अली साहब कहते थे ना कि जैसे जैसे गाना समझ आ रहा है वैसे वैसे डर लगना शुरू हो गया, और जब गाना समझ आ गया तो खुदा ने बुला। मुझे आशिफ राय साहब की जो गुफ्तगू है ना वो शुरू से पसंद है, यानी फनकार आदमी है और इतने नफासत से, इतने तहमु से बोलते हैं ना, कभी मैंने इनको ऊंचा बोलते नहीं देखा, कभी मैंने इनको किसी की बुराई करते नहीं देखा। ये इस कदर मीठी और स्लो टेम्पो में आपसे गुफ्तगू करेंगे कि तीसरा बंदा भी ना सुन सके, यानी इनके लिए ताली बजाइए, अल्लाह इनको सलामत रखे। इन्होंने बड़े बड़े फनकारों के साथ स्टेज पे काम किया है जब वाकई काम होता था। तोते साहब तुसी तो टूट जाओ, इतने अच्छी गल्लां हो रही हैं। मैं फिर गजुमत चला जाऊं, पहले तुसी चुप छो, मैं समझ रहा तुम्हारा मोबाइल को। अच्छा, जदों तू गजू जाएगा ओथे भी तेरी मत मारी जाएगी। अच्छा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम भूल जाएंगे कि आपका असली नाम क्या है? असली नाम तो पूछो उनसे, असली नाम। मेरा असल नाम तनवीर अब्बास। तन्वीर अब्बास, ये भी फनकारों जैसा नाम था, ये क्यों नहीं आपने रखा? ये तोती कब तक रहेगा? तोती मुराद, तोती जो है ना, नहीं कभी सोचा आपने? मेरी कजन ने रखा था, बब्बू बराल साहब की सिस्टर। अच्छा अच्छा, बब्बू बराल साहब का क्या नाम, क्या बड़े फनकार।
मेरे लिए बड़ी दाद की बात है कि मेरे गाने में सही है बब्बू बराल, अभी ठाकुर साहब का गाना मेरा चल रहा है झूठ बोल रही कि मैं कह रहा हूँ कि कुछ देखना चाहूँ तो देखा नहीं जाता, रहता है नाकों में चेहरा नहीं जाता, हर काम मैं करता हूँ बहुत सब समझ कर, पर तू सामने आ जाए तो सोचर, तू कहते झूठ बोल दाई झूठ बोल दाई कुड़ियां ते सुट्टे जाल झूठ, मैंने कंपोज किया, मैं कह रहा हूँ मुझे तुमसे प्यार, कहते झूठ बोल दाई लगना है या झूठ बोल, डोंट ब्रेक माय हार्ट, यानी ऐसी चीजें करता रहता हूँ। और सबसे बड़ी एजाज की बात है कि सेला अहमद साहब कहते हैं, मैं क्या आपने मेरी वीडियो में कहा, कहते ये बड़ी छोटी गल है, थोड़ी वीडियो जैसे झाड़ू मारा तो लगेगा सानू समझ आ गया, बहुत बड़े कमेंट्स है मुझे पूछे कि आपने गाना क्यों नहीं गाया। हाँ जी, गाना आपने क्यों नहीं गाया? जो लोग लेट डाउन करते हैं ना किसी को, हाँ जी, कि मैंने वो गाने में वो 72 फेंके यहाँ पे, मैंने 72 दातें याद की हैं उनसे। अच्छा, कि कोई गा रहा तो उन्हें कह रहा है आहा जी क्या कहना, अरे क्या कहना बहुत अच्छा, मेरे को इतना अच्छा सुर लगा तो आहा लो कोई नहीं, वो मुझे याद है कि मैंने डर के मारे मैंने कभी आ भी नहीं किया कि नहीं यार ओए दांत बुरी ना नहीं है, क्योंकि पता है यहाँ पे अगर दांत मिल जाए ना किसी को अच्छे तरीके से, हाँ जी, तो कहता है यार अच्छा नहीं गाया, सुर नहीं लगा, वो लगाएगा कभी जब आप उसे अच्छा कह देंगे। बेटा ठहर जाए, तू 2 मिनट बाद बर्क को कूटन लग पे, वेरी गुड थैंक यू, उनके ऐसे जॉब गल की थी उन्हीं 2 मिनट बाद वाया था, मैं समझा रहा भाई नहीं तो भी अखरा नहीं ऐसी तो भी नहीं था बोला अच्छा, मैंने नोट किया इन दोनों की आपस में बहुत लगती है, बहुत ज्यादा लगती है, इसकी क्या वजह, इसकी क्या वजह? वो मेरा उस्ताद था, मैं मेरा ये है कि हां बस सुनती है। हां अच्छा, ये इनका उस्ताद खाना, ये इधर पागल खाना, अच्छा तो जी हां गाने का शौक है, और ये बात ये है कि गाना बजाना किसी किसी का काम है। अच्छा, ये बड़े लोग बैठे हुए हैं उधर, बड़े बाप के बेटे हैं ये हमारे, गाना जो है ना वो तो ये कौन सा पहाड़ा है, कहना मास्टर साहब देखो तर्ज मैं याद है बोल भूल गए। अच्छा, आपके सिर पे आपने एक स्माइल देखी है बड़ी खूबसूरत सी, और ये डिंपल पड़ते हुए बोलते बड़ा कम कम है, इसकी क्या वजह है? डिंपल की वजह से डिंपल किंग पापा पे है, बिल्कुल, और स्माइल में हर से तुम्हारे पापा जाते थे, स्माइल किस पे है? मामा पे, मामा का भी नाम तो आना चाहिए। मैं पूछ नहीं, इसका क्या मतलब? वो तो इशारा का कहता, मैं पूछ लूं जरा, आपने तब मेरे वो तो बड़ी ऑनर की जगह, रिस्पेक्ट की जगह, उसके लिए उससे भी ज्यादा ऑनर की जगह है। हाँ जी, बहुत ज्यादा। तो बात ये है कि गाना गाना उधर से ही, वो जो जी जी गाना आप, नहीं नहीं नहीं, नहीं आप सुना रहे हैं गाना, आप सुनाएंगे उसके बाद हम, चले सुना दे अब, कौन सा गाना सुनेंगे अपनी पसंद का बताइए, बल्कि ये माइक हम आपको देते हैं प्रॉपर, हम सुनते हैं कोई भी जो आपको खुद पसंद हो, आपकी मर्जी का गाना जो आपको अच्छा लगता है, छेड़ो जी सारा ना करें, सॉरी बजेगा पहाड़ी का कोई सुर पैसा बेटा, मैदानी मैदानी बजा दे। अच्छा, किसको डेडिकेट किसको करेंगे आप? आपको, मुझे नहीं, उनको, किरण जी को। नहीं, आप ही हैं। अच्छा, मैं ही नहीं, वो कह रहे हैं आप ही हैं। अच्छा, मैं ही हूँ, उन तो मैं डेलीगेट करता हूँ।
डेली रोजाना मतलब छोड़ी कमला डोलाए जिने उम्र वजा छोड़ी हो मैं स्लिप होने लगा सा तोड़े अंदर जी वापस आते हैं शिवा आपकी आपकी तरफ थोड़ा सा एक सीरियस डिस्कशन करना चाह रही थी जी हाँ बिल्कुल थिएटर के हवाले से कि जिस तरह से भी तारिक ताफू साहब ने बात की म्यूजिक के हवाले से कि जो लेजेंड्स थे उन जैसा काम अब नहीं हो सकता और उसी बात को फिर आपने मजीद आगे बढ़ाया कि एक अच्छे मेल सिंगर की जरूरत हमें बहुत ज्यादा महसूस होती है इसी तरह से थिएटर थिएटर नहीं रहा एक फैमिली ओरिएंटेड जो प्लेस थे वो देखने को नहीं मिलते थिएटर ना रहा प्यार प्यार ना रहा आर्टिस्ट कम हो गए पैसे का बुखार बढ़ा रहा पैसे सुनीला जवाब अब तो जनाब जो भी सिस्टम हो रहा है हर शोबे में कि जब कुछ लोगों को अपने बेसुरे होने का इतना फखर है या बेरिदम या बेकाम होने का इतना फखर है कि वो उसमें मस्त हैं खुश हैं और वो ऑपोजिट काम करके कहते हैं कि अल्लाह ने सानू बड़ी इज्जत दी है ये भी कहते हैं कि अल्लाह ने हमें बहुत इज्जत दी है जबकि उनके काम जो है ना अगर वो गौर से देखें ना तो वो इज्जत के नहीं है बल्कि अपने ही लिए नहीं तो हम तो उनको समझाते भी इसलिए नहीं है ना समझाना चाहिए आजकल के दौर में मैं समझती हूँ किसी को भी नहीं समझाना चाहिए कि आप ये क्या कर रहे हैं क्योंकि किसी ने समझना ही नहीं आप अपने आप को समझ के मैं तो अपने आप को ही दुरुस्त करती रहती हूँ कि ये काम मैंने करना है तो कैसा करना है क्योंकि मुझे अपने आप से गर्ज है कि मैंने अच्छा करना है उसमें परेशानियां आती हैं आप अगर बहुत अच्छा कहीं सच बोल रहे हैं या कहीं अच्छा काम कर रहे हैं तो जब चारों तरफ लोग किसी और टाइप के हैं तो वो तो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे लेकिन यही जो काम है यह आपको सबसे पहले तो अल्लाह पाक के नजदीक भी करता है और इंसानों के भी नजदीक करता है ये वक्ती नहीं है वक्ती वो है जिसकी मियाद ही कोई नहीं है तो मुझे ये समझाना है अपने आप को और लोगों को ये कहना है कि प्लीज अपने आप से गर्ज रखें मैं एक महफिल में गई तो वहां एक खातून थी और वो मजलिस भी बड़ी सीरियस मजलिस थी तो उसने बड़े ओवर कपड़े पहने थे अच्छा। तो मैंने उसको साइड में ले जाके और उसके एक नौकरानी को कहा भाई आप पीछे रहें ताकि वो भी ना सुने मैंने उसको खामोशी से कहा कि आपके कपड़े इस महफिल के काबिल नहीं है तो काइंडली उसने बच्ची भी एक पकड़ी थी छोटी सी तो बहुत ही ओवर कपड़े थे तो उसने मैंने तो खामोशी से कहा था ना उसको कि उसकी इंसल्ट ना उसने ऊंची जबान में कहा कि जी मैं तो एक बच्चे की माँ भी हूँ मुझे पता है मैंने क्या पहनना है ऐसा उसने टका के जवाब दिया मैंने फिर सोचा नहीं ये गलती मेरी गलती मैंने क्यों कहा उसको तो इसीलिए हमें सिर्फ अपने आप को देखना है हर बंदा अगर सिर्फ अपने आप को सुधारने लग जाए तो मैं सकती हूँ कि हमारा मुआशरा बहुत सी अच्छाइयों का हामिल हो जाएगा अपने आप को नहीं ना हम दूसरे को देख रहे जी तारिक ताफू साहब हमारे प्रोग्राम की रेफरेंस से कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी मिलती हैं और आप हमेशा इतना अच्छा होस्ट करती हैं और ये भी बड़ा अच्छा मैसेज है कि मैंने देखा जितना सुकून नमाज पढ़ने में है ना वो किसी का इससे अच्छा मैसेज कोई बिल्कुल बिल्कुल राही साहब आप आपसे भी मैं चाहूंगी कि हमारे इस प्रोग्राम की रेफरेंस से कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूअर्स को मैसेज यही है कि अपना सुहेल अहमद साहब के नाना है फकीर मोहम्मद फकीर जी उन्होंने एक शेर कहा है कि दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बैन खलोन दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बैन खलोन तू होवे ते हसन सारे ना होवे ते रोन वाह 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 जबरदस्त 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 जी किरण क्या कहना चाहेंगी मैं बस यही कहना चाहूंगी हमारी फील्ड में ही नहीं मतलब जितनी भी फील्ड है हर किसी में एक दूसरे को जेलसी है
बुक्स रखते हैं लोग दिल में, बस बुक्स निकाल दें, जलसी निकाल दें, एक दूसरे के साथ मिलके काम करें, ताकि अभी हमें मौका मिला है काम करने का, क्योंकि इंडिया के चैनल सारे बंद हो चुके हुए हैं। अभी हर टीवी का जो मतलब चैनल है, प्रोग्राम है, जितने भी वो नजर आ रहे हैं, जो हमने नहीं भी देखे हैं ना, वो भी हम कहते हैं ये भी चैनल, ये भी बैठ रहा है, बिल्कुल ठीक यार, ये इसका भी प्रोग्राम चल रहा है, इसका भी चल रहा है। अभी हम लोगों को टैलेंट दिखाने का मौका मिला है, तो अपने दिल में जितने भी बोगस हैं आपके अंदर, आप लोगों ने जो जलसियां रखी हुई हैं वो निकाल दें और दूर करने के लिए शिकवे और मिल बांट के काम करें, ताकि हमें जो मौका मिला उसको हम वेस्ट ना करें। अब देखिए चैनल्स में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, कराची में इतनी अच्छी फिल्में बन रही, मैं कराची को इस बात में दाद देना चाहूंगी कि उन्होंने, वहां के आर्टिस्टों ने, और कराची के लिए क्लैप हो जाए, क्लैप हो जाए, क्योंकि वहां पे माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग आ गए इस फील्ड में, कैमरे जदीद आ गए और एक्टिंग बड़ी अच्छी ग्रूम हुई है, और उन्होंने नाराज फिल्म बीनों के सिनेमा में वापस लाने में कराची ने एक अहम किरदार, बिल्कुल ऐसी है, नो डाउट कराची में बहुत ज्यादा काम भी हो रहा है, बल्कि मेनली अगर मैं ये बात कहूँ कि जो हमारी इंडस्ट्री ग्रूम करी है वो कराची से करी है, लेकिन दोस्तों बात तो फिर वहीं पे आ जाती है कि लाहौर एग्जैक्टली, और ये सिर्फ बताने का मकसद ये था कि यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम है उसका वक्त तो खत्म हुआ चाहता है, लेकिन हम कैसे पॉसिबल है कि हमारे साथ तारिक ताफू जैसे खूबसूरत सिंगर मौजूद हों, और ये सॉन्ग किस किस का फेवरेट सॉन्ग नहीं है कि लाहौर लाहौर है, और वैसे मैंने आधी दर्जन के करीब चेहरों पे चले गए, पागल ही कर सकता काम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 50 साल पिछली सदी में किसी ने ऐसे काम नहीं किया, बिल्कुल जैसे कराची है, कराची कितने सी नजारे, यहाँ लोग प्यारे प्यारे, अब्दुल्ला शाह गाजी है समंदर के, मेरा ब्लड ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, आपको आवाज है कि जिनने लाहौर दी तकिया मुझे और हिना को इजाजत दीजिए। वंस अगेन मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने दोनों मौजूद मेहमानों की, जिन्होंने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज, लेकिन आप एंजॉय कीजिए तारिक ताफू साहब का वंडरफुल सा सॉन्ग। सो वंस अगेन अ बिग क्लैप फॉर तारिक ताफू साहब।